एवरीवन, दिस इज आकाशवी शर्मा, लाइफ कोच एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। हम सभी लोग अपना संडे कैसे मनाते हैं? ऑफ कोर्स एंजॉय करके। हम में से कुछ लोग लास्ट रिलीज मूवी देखने चले जाते हैं, हम में से कुछ लोग खा पी के मस्त रह के अपना संडे मनाते हैं, कुछ लोग दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, और हम में से कुछ लोग जिन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता वो बेचारे बिस्तर ही नहीं छोड़ते, सुबह से शाम तक बिस्तर में पड़े रहते हैं और टेलीविजन के रिमोट को अपने हाथ में रखते हैं और चैनल बदल बदल के अपना संडे पास कर लेते हैं। सो अल्टीमेटली हमें लग रहा है कि हम अपना संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एंड आई जस्ट वुड आस्क यू टू ask that question to yourself. The question is, are we genuinely celebrating our Sundays or we are pretending to celebrate our Sundays? जब ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया तो एक छोटी सी चीज है जो मैंने एक्सपीरियंस की। दिस वॉज माई सेकेंड संडे जिसमें मैंने वो चीज की। लास्ट संडे इट वॉज माई फर्स्ट टाइम व्हेन आई डिड द सेम थिंग। तो इस एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जनरली हम क्या करते हैं संडे में, अपने सारे डिसिप्लिन तोड़ देते हैं। हमें जल्दी उठना होता है तो संडे में हम जल्दी नहीं उठते हैं। हमें अपने डाइट प्लान के हिसाब से चलना होता है तो संडे में अपने सारे डाइट प्लान कैंसिल करके जो मन करता है कई बार वही खा लेते हैं। एनीवेज, कहने को तो हम अपने संडेज को सेलिब्रेट कर रहे हैं नाम मात्र के लिए, लेकिन अगर अपने से क्वेश्चन पूछे तो हम पाएंगे कि शायद हम आउटर वर्ल्ड में सेलिब्रेट कर रहे हैं, अंदर वो सेलिब्रेशन मिसिंग है। उस अंदर वाले सेलिब्रेशन को इग्नाइट करने के लिए एक एक्सपीरियंस जो मैंने पिछले संडे और इस संडे में किया वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने क्या किया, जब इस संडे मेरा अलार्म और लास्ट संडे मेरा अलार्म रिंग किया तो मैंने उसको बंद करके वापस बेड की तरफ नहीं गया। मैंने उस अलार्म को ऑब्वियसली बंद तो किया लेकिन बेड पर ना जाके मैंने अपने रेगुलर मैनर में जैसे मैं हर रोज करता था वैसे ही फ्रेश होकर, ऑफ कोर्स आई डिडंट गो फॉर वर्कआउट बट आई वेंट टू अ प्लेस वेयर आई फाउंड सॉलिट्यूड। अपने ही शहर में एक कैनाल है, वहां पर मैं गया और वहां जाकर बैठा। उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जब मैं वहां बैठा तो I'm not going to say कि मैंने क्या किया, एक्चुअली में मैं बताऊं तो मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं बस बैठा और मेरे साथ सब कुछ खुद हो गया। और I'm just feeling so happy to share with you this thing कि अपने आप ही वो सवाल जो शायद पूरे हफ्ते में मेरे मन में आते रहे होंगे और मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि उन सवालों को मैं अपने आप से पूछ पाऊं क्योंकि मुझे शब्द नहीं मिल पाते, वो सवालों को शब्द मिले और मैंने अपने आप से वो सवाल किए। उन सवालों में दो महत्वपूर्ण सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसमें सबसे पहला सवाल ये था कि क्या तेरी जिंदगी रुकी हुई है, तू आगे बढ़ भी रहा है या नहीं। तो मैंने अपने आप को जो आंसर दिया, मैंने क्या दिया, जो आंसर मुझे अपने अंदर से मिला वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने एक नए आयाम सेट किए, मैंने अपने आप को बताया कि आकाश अभी समय है, कुछ भी नहीं गया है। अगर तू आज से अपने पर्पस को फिर से महसूस करने लगे, अपने विजन को फिर से रीबिल्ड कर ले तो वो एनर्जी कहीं नहीं गई है, ऑलरेडी तेरे अंदर है और तू खुद महसूस उसको फिर से करने लगेगा। और जो दूसरी चीज थी वो मैंने ये महसूस की कि पूरे हफ्ते में कई बार हमारे साथ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। आप देखेंगे कभी हमारे फैमिली मेंबर्स, कभी हमारे एम्प्लॉयज, कभी हमारे फ्रेंड सर्कल में लोग हमारे हिसाब से, हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बिहेव नहीं करते हैं जिसकी वजह से हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। कई बार हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से चीजें एग्जीक्यूट नहीं होती तो हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। और एक्चुअल में ये जो डिसअपॉइंटमेंट है वो धीरे 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 हमें स्लो पॉइजन दे रही है और हमें खत्म करती जा रही है। तो दूसरी चीज जो मैंने रियलाइज की वो ये थी कि आज से मैं किसी रीजन का इंतजार नहीं करूंगा खुश रहने के लिए।
आज से मैं अपने आप को कमिट करता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करूंगा और हर दिन को ऐसे जीऊंगा जैसे मेरा आखिरी दिन है। और सबसे बड़ी बात कि जब मैं परेशान रहता हूँ तो मेरे आसपास के जो लोग हैं ना, वो भी ज्यादा खुशी नहीं मना पाते, वो भी मेरे को उतना एंजॉय नहीं कर पाते जितना मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे सेलिब्रेट करें। सो माई फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सेलिब्रेट माई ओन प्रेजेंस, देन यू विल नॉट हैव टू टेल एनीबॉडी टू बी हैप्पी विद मी। दिस इज द ओनली थिंग आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू। एंड इस तरह से मैंने अपने संडे को सुपर संडे बनाया एंड आई जस्ट नॉट ओनली गॉट कनेक्टेड विद माई सेल्फ, आई ऑल्सो गॉट कनेक्टेड विद द ऑलमाइटी विद द सुप्रीम पावर। एंड दैट्स व्हाई दिस संडे इज ऑल्सो कॉल्ड अ होली डे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। Thank you.